बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंत तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी क्रिस्पी नमक पारे। क्रिस्पी नमक पारे बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगे वो ये हैं: मैदा 2 कप, अजवाइन भुनी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले नमक पारों का मैं डो बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक बड़े बर्तन में मैदा शामिल किया है। अब मैं नमक शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। नमक डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब मैं अजवाइन शामिल करूंगी और इसे मिक्स करूंगी। अब मैंने 1 खाने का चम्मच घी मेल्ट हुआ हुआ शामिल किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करें कि इसमें जब आप हाथ में लें तो गट्ठा होना शुरू हो जाए। अपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी और इसे गूंदूंगी। अब मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट तक रेस्ट दूंगी और बाद में इसे बेलूंगी। अब टाइम पूरा हो गया है। अब मैंने इसे 3 हिस्से बना लिए हैं। अब मैं इसे बेलूंगी। इसे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया है क्योंकि ऐसे नहीं बेलनी होता। अब मैंने इसे बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैंने इसकी स्ट्रेट कटिंग की है। अब मैं इस तरफ से कटिंग करूंगी। अब इनकी कटिंग हो गई है। अब मैं ऑयल में फ्राई करूंगी। अब ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं नमक पारे फ्राई करूंगी। अब हमारे नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे निकालूंगी और ट्रे में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से हमारे खूबसूरत नमक पारे तैयार हो गए हैं। इसे चाय के साथ सर्व करें, रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।